देखिए, निश्चित तौर पे जो जो फसल एमएसपी पे कवर्ड है, पहली बात तो मैं किसान तक की ओर से ये कहना चाहूंगा कि वो उसका एमएसपी मिलना चाहिए जो एमएसपी में कवर्ड है, और किसान भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर सरकार भावांतर भरपाई योजना ले आई है, उस पे आज उनका उनकी सफाई आई है, मैं इसके सफाई कहूंगा, जो लीपापोती की है उन्होंने इस पूरे मामले में, उस पे जो विज्ञापन निकाला है उसको लेकर के जो एक एक पॉइंट है उस पे राज सिंह जी जो 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 रिटायर्ड खंड कृषि अधिकारी हैं, पूरे ब्लॉक को संभालते रहे, पूरे एक डिवीजन को पूरे संभालते रहे राज सिंह जी। तो पहला सवाल तो यह है कि जो सरकार कह रही है कि सिर्फ 38,414 एकड़ में इसकी खेती होती है, इसके पीछे क्या है? क्या आपको लगता है कि ये डेटा सही है या गलत है? क्योंकि किसानों का कहना कि 60,000 से ज्यादा एकड़ है इसका। देखो जी, अब जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा में जब से ये सरकार आई है, किसान अनपढ़, एक अनपढ़ कौम है, सादी बोली सादी कौम है। जैसे कि ये बता रहे हैं ना भी 38,000 समथिंग एकड़ है, मान लिया एक एक, एक नई स्कीम आई है, मेरी फसल मेरा मेरा ब्यौरा, यानी फार्मर्स को, किसानों को अपनी फसलों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। लेकिन किसान क्योंकि तबका अनपढ़ है, भोला है, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि भी कब तो ये रजिस्टर्ड करानी है, कितनी इसका क्या फायदा है, क्यों ये जरूरी है। तो इस चक्कर में जैसे कि पत्रकार साहब ने कहा कि भी वैसे तो सुना है 60,000 या इससे भी प्लस है, या किसान लोग कहते हैं कि हमारी फसल ज्यादा है और सरकार का आंकड़ा है वो थोड़ा है, वो बिल्कुल ठीक बात है। किसान लोग, बहुत से किसान अनजान साधे भोले होने के कारण वो अपनी फसल को, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं करा पाते, जिसकी वजह से जितनी एक्चुअल में फसल है वो उतनी ना होके थोड़ी रह जाती है सरकार के रिकॉर्ड में। तो इसके पीछे तो फैक्ट ये है जी। जी, पहला आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा सवाल यह है कि सरकार ने कहा कि जो भावांतर भरपाई योजना जिसकी जिसका विरोध हो रहा है इस लेवल पे, 8,528 किसानों ने उसका लाभ लिया है, उनको 1,000 रुपए की जो रकम है वो दी गई है, और वो रकम करीब 29,13,00,000 रुपए की बनती है। तो सरकार ने कहा कि भाई 8,500 किसानों ने तो भावांतर भरपाई का लाभ उठाया है, उसको उसको स्पष्ट मतलब उसको जस्टिफाई करें, या इसपे हमारा क्या कहना है? जी जी, इसपे हमारा यही कहना है जी, किसान एक बहुत ही तंग हाल कौम है। कि अपने देश में जब से आजादी, बल्कि तो आजादी से पहले भी आक्रांता लोग थे या अंग्रेज सरकार थी, वो इतने टैरिफ, जो लैंड जमीन की जो वो टैक्स होता था वो इतना हार्ड, इतना पिंचिंग होता था कि वो बेचारा उसको निभा नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसको अपनी जमीने तक अबेंडन करनी पड़ती थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसान कौम एक बहुत गरीब कौम है, इसको मजबूरी में, अब जैसे ये कह रहे हैं ना भाई, इतने किसान तो इतना लाभ ले चुके हैं, या वे तो इस लाइन में जो है ना चुपचाप बेच के चले गए भावांतर के हिसाब से, अब बाकी लोगों को एतराज क्यों है? शायद ये पत्रकार साहब का पूछने का भाव या आशय ये है। लेकिन इसके बारे में ये कहना है कि किसान कौम गरीब कौम है, इसके ऊपर बैंकों के कर्जे का दबाव है, या शादियां बच्चों की है, फीस है, पहले ही ये दबी कुचली कौम है। मैं तो ये कहूंगा, बल्कि दलित सबसे ज्यादा अगर कोई कौम है ना आज के दिन हिंदुस्तान में, तो किसान इससे बढ़कर दलित नहीं है। तो इसको मजबूरी में, जैसे कुछ किसानों का उदाहरण दिया है कि इतने किसान तो इतने 1,000 रुपए का जो है ना ये लाभ ले चुके हैं, तो वो तो मजबूरी में ले रहे हैं जी, मजबूरी में है। सत्ता, राज, भोग, राज धर्म तो वो कहता है कि अपनी जनता को हंसते हंसते संतुष्ट करे, मजबूरी में अगर किसी से इसका, इसका, इसका एक और पॉइंट है, इसके पॉइंट पे बात करने के बाद और सारी बातें आगे बढ़ाते हैं, जो इसको क्लियर करना आप लोगों की ओर से भी जरूरी है और हमारा भी बातचीत करना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम 4,900 रुपए तो पहले ही दे रहे हैं हाफेड के जरिए, और 1,000 रुपए आपको अंतरिम सहायता दे रहे हैं। अंतरिम शब्द का पहली बार इस्तेमाल आया है, क्योंकि जो 30 तारीख का जो ऑर्डर है उसमें कहीं भी अंतरिम का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ है, आपने भी ऑर्डर देखा होगा। तो फिलहाल उनका ये कहना है कि हम 5,900 रुपए दे रहे हैं किसानों को, जो एमएसपी से सिर्फ 500 रुपए कम है। जी, एक मिनट, ऐसा है जी, अब जैसे पत्रकार साहब ने पूछा है ना कि सिर्फ 500 रुपए कम है, भावांतर के हिसाब से एडजस्ट करके 5,900 रुपए तक पहुंच गए। ये भावांतर योजना मैंने थोड़ी देर पहले भी जो है ना अपने इस इंटरव्यू में कहा था, भावांतर योजना में 6,400 भी देगी ना तो भी किसान को मंजूर नहीं है। भावांतर शब्द या भावांतर का नाम का लॉलीपॉप, भावांतर नाम की एक नई, एक नया सगुफा, नया जुमला क्यों? अगर पूरा देना यह है, मान लिया 6,400 देना भावांतर करके, तो भी नहीं लेंगे।
वायरे पूरे के पूरे पैसे लेंगे और एमएसपी के नाम से लेंगे, न कि भावांतर। भावांतर नाम से ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी हम जब नौकरी करते थे, चूहे को मारने के लिए किसानों को समझाते थे कि भी किसान चूहे को ट्रैप करना है ना, फंसाना है जहर में, तो पहले उसको है ना मीठा जहर दो किसी फल पे, या उसको बगैर जहर के वो खिलाओ, उसको कुछ बेट्स बोलते हैं उसको, लालच की दोनों गोलियां, फिर दो एक दिन वो खिलाने के बाद असली जहर दो। तो ये हमें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैप कर रहे हैं भावांतर 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 करके। जब इन्होंने हमारी पूर्ति पूरी करनी ही है तो भावांतर क्यों, पूरी की पूरी एमएसपी क्यों नहीं? तो ये तो एक किस्म का लॉलीपॉप है, एक किस्म का काम काज होना। अपनी एक और रेट, पांच राज्यों रेट लिस्ट जारी किया है हरियाणा सरकार ने। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 4077 रुपए दाम है और पंजाब में 4000 रुपए दाम है, जहाँ के काफी किसान आए। तमिलनाडु में 3550 रुपए इसका दाम है अभी ओपन मार्केट में। महाराष्ट्र में 3840 रुपए दाम है और गुजरात में 3975 रुपए का दाम है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे हमारा यही कहना है जी कि वैसे तो या तो एमएसपी सरकार डिक्लेयर नहीं करे तो भी देख ले, फिर एक तरफ तो खाना पूर्ति करती है, किसान की आमदनी दूनी करने में इस दावे को बड़ी जो ना छाती ठोक के कहते हैं ये लोग राष्ट्रीय चैनलों पे कि किसान की, जब दूसरे भी पक्ष वाले मांगते हैं ना सबूत, अगर किसान की आमदनी दूनी कर दी उसका सबूत हो तो कहते हैं हमने उसकी एमएसपी इतने परसेंट बढ़ा दी, उसकी एमएसपी इतने परसेंट बढ़ा दी, और देने के लिए लेने देने के लिए कुछ है नहीं। तो एक तो ये, फिर या तो ये एमएसपी बढ़ाए नहीं या ये दावे नहीं करे, कम से कम हाथ जोड़ के माफी मांग ले कि भाई हम लोगों को ठग रहे हैं, कोई हमने दुगनी नहीं करनी है किसी किसान की आय। एक सवाल और लास्ट इसमें आया है कि क्या राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना न्याय उचित है, ये सरकार ने पूछा किसानों से। पेट के वास्ते साहब, हम जब गांव में होते हैं ना तो मदारी लोग आते हैं, मोदी की तरह मोदी साहब की तरह मदारी लोग आते हैं, तो वो अपने बच्चे को एक इतना दर्दनाक दृश्य दिखाते हैं लोगों को, मतलब भावुक करने के लिए, और फिर वो मदारी पेट पे हाथ मारता है, पेट के वास्ते पंछी पाताल में जाता है। साहब जैसे कि आपने कहा हमें दुख है कि आम जनता को ये रोड रास्ते जाम करने से परेशानी होती है। मान लिया आज रोड जाम करने से 1,00,000 आदमियों को परेशानी होगी, बहुत बढ़ चढ़ के आंकड़ा दे रहा हूं, लेकिन रोड जाम ना करने से 60 करोड़ किसानों को परेशानी होती है। साहब ये हमारी मजबूरी है, पेट के वास्ते हम इस सड़क पर रात को सोए थे, आज ये जो अब जो ना जून के महीने की गर्मी, ये इस पर दादम बिछी हुई है, दरी बिछी हुई है, तो भी उतना ही तापमान था जितना सड़क का तापमान होता है। हमारे को रात भर नींद नहीं आई, हमें शोक नहीं है जी, जनता से माफी मांगते हैं हम कि आप लोगों को परेशानी होती है, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य, अपना पेट और जो है ना इस देश की तरक्की में अपना योगदान देने के लिए हमारी मजबूरी है जी, ये हमारा शौक नहीं है, हमारी हद से बढ़कर मजबूरी है जी, ये इस तरह